सबसे पहले आप गूगल खोलेंगे, गूगल में टाइप करेंगे mjpru.ac.in, इसको ओके कर देंगे, पेज हमारा ओपन होगा। तो रजिस्ट्रेशन की अब लास्ट डेट 20 अगस्त हो गई है, जल्दी से जल्दी आप अपने फॉर्म फिल कर दीजिए। पेज हमारा ओपन हो गया है, होम पेज को थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आके देखेंगे एक जगह लिखा है लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट में लिखा है ऑनलाइन एडमिशन, आउट ऑनलाइन एडमिशन में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा जो पूरा होम पेज ओपन होके आ गया, यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन, पीजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन, यूजी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा। अब मैं आपको यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, जिसमें हमारा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, होम साइंस ये सब आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हम यहाँ से पहले ऊपर बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड बंदा, ऊपर लगा आई विश टू अप्लाई बी, अगर आप बी एल एल पास करना है ऊपर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आपको यहाँ अपना जब 12 पास करा है वो डाल देंगे, कौन सी वर्ष में पास करा है ईयर पास कर डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे, री एंटर रोल नंबर कर देंगे, वहाँ पर नीचे आ जाएंगे, आप यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद आप एग्री कर देंगे, उस पर यहाँ लिखा यस आई एग्री टू अबव, हाँ मैं सहमत हूँ, इस पर आगे क्लिक करके लिखा प्रोसीड टू फॉर्म, फॉर्म को प्रोसीड कर देंगे, क्लिक करने के बाद फॉर्म को प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, उस पर नए पेज ओपन आएगा, ऊपर यस कर देंगे। उसके बाद हमारा ये फॉर्म जो ओपन हो गया है कैंडिडेट प्रोफाइल, उसमें हम फर्स्ट नेम डाल देंगे, मिडिल नेम डाल देंगे, सर नेम डाल देंगे, जो भी आपका नेम है वो डाल देंगे, मैं आपको एक एग्जांपल ये करके दिखा दे रहा हूँ, फादर नेम डाल देंगे, उसके बाद मदर नेम है वो डाल देंगे, मदर नेम के बाद आपका डी ओ बी है, डी ओ बी आप सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि जो होती है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका रिलीजन है धर्म है वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि इस फॉर्म में यहाँ से मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हमने ये इनका धर्म सेलेक्ट कर लिया, फिर आप कैटेगरी आ गई, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी वहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे सब कैटेगरी अगर आपकी है तो फिर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, जैसे कि कोई कैटेगरी नहीं तो ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा, आपकी कोई सब कैटेगरी हो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदर सब कैटेगरी में अगर आपको आप आता है कि तो कर देंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद अब ये कमज़ोर श्रेणी में अगर आते हैं तो हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल भी क्लिक कर देंगे, जो आप चाहें, अगर आप हैं तो वहाँ से क्लिक कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पर आप अपना मूल निवास सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ का है तो भाई उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर तो मिसाल सर्टिफिकेट आ जाएगा, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर यस, यहाँ पर यस कर देंगे, आपके पास है यहाँ आधार नंबर डाल देंगे, जो भी आपका आधार नंबर है, एक्नॉलेजमेंट संख्या आपको डालनी नहीं है, नीचे आ जाएंगे, पेज कॉल का सा नीचे करेंगे, उसके बाद आपका ये एड्रेस की डिटेल आ गई, मतलब संपर्क करने का विवरण, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, तो राज्य हमारा कौन सा है वो हम सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस है, फिर आपका पिन कोड है, पिन कोड डाल देंगे, पिन कोड डालने के बाद नीचे आ जाएंगे, पेज कॉल का थोड़ा नीचे करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर अगेन का ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल नंबर अगेन दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, आप ईमेल एड्रेस डाल देंगे, ईमेल अगेन लिखना है तो दोबारा ईमेल एड्रेस डाल देंगे, उसके बाद ऊपर आ जाएंगे लिखा कॉपी ऑफ सेम एड्रेस पर क्लिक कर देंगे, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग परमानेंट सेम हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आपका आ जाएगा कि आपने हाई स्कूल कौन सी ईयर में पास किया था, हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा था, रोल नंबर कितना था, आपके मार्क्स कितने में से कितने आए थे, वैसे डिटेल सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसे कि मैं ये आपको फिल करके दिखा दे रहा हूँ कैसे फिल होगा, एल सी बी एस ई बोर्ड था 2018 में इन्होंने टेंथ किया था, रोल नंबर इनका ये था, मार्क्स इनके इतने थे, इतने में से इतने इनको मार्क्स मिले, आपका जितना भी होगा वहाँ यहाँ टाइप कर दिएगा, ठीक है कोई इशू नहीं है इसमें, मैं तो आपको एक एग्जाम्पल ही करके दिखा दे रहा हूँ कि वो आपका होगा डाल देंगे, और आपका जो 12th मार्क्स है वो आपने पहले चेक कर लिया था कौन सी ईयर में था और कौन सा बोर्ड का, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, आप यहाँ से अपना फ़ोटो और साइन अपलोड कर देंगे, फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे, लिखा है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे यस आई एग्री टू अबव, उसके बाद हम कैप्चा डालेंगे, कैप्चा करने के बाद हम सेव रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे।
करेंगे फिर सेव रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। सेव रजिस्ट्रेशन जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी मेल आईडी जो आपने डाला है उसके बाद लॉग इन आईडी पासवर्ड जाएगा, आप वहाँ से लॉग इन पासवर्ड करके अपना फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। थैंक यू सो मच।